हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक हैक में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ वन प्लस नोट की रिटेल यूनिट की अनबॉक्सिंग। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो की सब नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वन प्लस नोट 3 वेरियंट्स में इंडिया में अवेलेबल है और हमने जो वेरियंट मंगाया वो मिडल वेरियंट है, जिसकी प्राइसिंग है 28,000 रुपीज़, जिसमें आपको मिलती है 8 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज। आपको इस स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट में मिलती है 6 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग है 25,000 रुपीज़, और टॉप वेरिएंट में आपको मिलती है 12 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग है 30,000 रुपीज़। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हमारा मेन स्मार्टफोन। इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं हमें बॉक्स में और क्या कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक वेलकम लेटर वन प्लस की तरफ से। तो हमें एक टीपीयू केस मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वन प्लस नोट के स्टिकर्स और ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन, रेड केबल क्लब कार्ड। तो दोस्तों, ये है वन प्लस का वॉट चार्ज और इसका आउटपुट है 30 वॉट, जिससे आपका स्मार्टफोन काफ़ी फास्ट चार्ज होगा। और ये आपको मिल जाती है वन प्लस की स्टैंडर्ड टाइप सी केबल। तो सभी चीज़ों को रखते हैं साइड में और आते हैं अपने स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों, ये है इस स्मार्टफोन का बैक का व्यू और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फोन का जो ब्लू कलर है वो काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है। और दोस्तों, एक ग्लास बैक है जिसके ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। सेम प्रोटेक्शन आपको इस फोन के फ्रंट में भी मिलती है। आपको इस फोन में एक और कलर वेरिएंट मिलता है जो है ग्रे ऑनिक्स। दोस्तों, बैक और फ्रंट में आपको दोनों ही तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। बट अगर हम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे प्लास्टिक फ्रेम यूज़ करा गया है। क्विकली बटन एंड पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमें सबसे पहले मिलता है अलर्ट स्लाइडर, उसके नीचे आपको मिल जाता है लॉक अनलॉक बटन। नीचे की बात करें तो नीचे हमें सबसे पहले मिलता है स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन और सिम ट्रे। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम लॉकर्स और मैं आपको क्विकली इस फोन की सिम ट्रे इजेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो इस फोन में आपको डुअल नैनो सिम का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें स्टोरेज एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इस फोन को बाय करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मिनिमम 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लें, क्योंकि आप इसमें स्टोरेज बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो दोस्तों, फोन हो चुका है सेटअप और अब बारी आती है फिंगरप्रिंट चेक करने की। तो इस फोन में आपको मिलता है इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसकी स्पीड को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट की स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती है और काफ़ी एक्यूरेट भी है। अब आते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले पर। तो इस फोन में आपको मिलती है 6.44 इंच की एक फुल HD प्लस की फ्लूड एमुलेट डिस्प्ले। और क्योंकि ये एक एमुलेट डिस्प्ले है तो आप देख सकते हैं जो कलर्स हैं इस डिस्प्ले में वो आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। और व्यूइंग एंगल की भी अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे आपको व्यूइंग एंगल्स देखने को मिल जाएंगे। मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। तो ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में मुझे फ़ोन काफ़ी पसंद आया, काफ़ी अच्छा आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस इस फ़ोन में मिल जाएगा। और दोस्तों, क्योंकि ये डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है तो आपको ऐप स्विचिंग में जो एनिमेशंस हैं वो काफ़ी स्मूथ मिलते हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। स्पीकर की बात करें तो आपको इस फ़ोन में मिल जाता है एक सिंगल स्पीकर। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इस फ़ोन की स्पीकर की साउंड क्वालिटी और लाउडनेस चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कहूँगा जो स्पीकर की क्वालिटी है वो मेरे को काफ़ी पसंद आई, बट अगर लाउडनेस की बात करें हम तो वो डिसेंट है, ज़्यादा अच्छी मैं नहीं कहूँगा, आपको एवरेज जो है इस स्पीकर की क्वालिटी मिल जाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों, आपको इस फ़ोन में मिलता है स्नैपड्रैगन का 765G प्रोसेसर और ये एक 5G रेडी प्रोसेसर है। तो जब भी इंडिया में अगर 5G आता है तो आप इस फ़ोन में 5G टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों, गेमिंग की भी बात करें तो मैंने इस फ़ोन में PUBG खेला था तो काफ़ी स्मूथ मेरे को एक्सपीरियंस मिला। फ्रेम रेट्स भी काफ़ी स्टेबल थे, फ्रेम रेट काफ़ी कम ड्रॉप होते हैं इस फ़ोन में, तो मैं कहूँगा कि आपको इस फ़ोन में अच्छी खासी गेमिंग भी मिल जाएगी। बैटरी की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको इस फ़ोन में मिल जाती है 4115 mAh की बैटरी,
जिसे आप अपने 13 वॉट वॉर्प चार्ज की मदद से काफ़ी फास्ट रिचार्ज कर सकते हैं। कैमरा सेटअप की बात करेंगे तो आपको इसके रियर में मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें आपको प्राइमरी लेंस मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 सेंसर, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है, 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ मिलता है और 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो सेंसर मिल जाता है। दोस्तों इस फोन में आप 4K वीडियो 30 FPS पर और फुल HD वीडियो 60 FPS पर ईजिली शूट कर सकते हैं और आपको इस फोन में OIS और EIS दोनों का ही सपोर्ट मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी मेरे को इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी लगी। सेल्फी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है और साथ ही आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। और दोस्तों आप इस फ़ोन में फ्रंट में भी 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो अगेन यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़ हैं इस फ़ोन की वो काफ़ी अच्छी हैं। तो दोस्तों बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो फर्स्ट इंप्रेशंस में मुझे फ़ोन काफ़ी पसंद आया, काफ़ी अच्छे आपको इस फ़ोन में फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी हम काफ़ी सारी इस फ़ोन के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस भी करेंगे, काफ़ी फ़ोन के साथ इसको कंपेयर भी करेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।